नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक तर्कवादी विचारों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने जो है सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 जो चंद्रयान पर चंद्रमा पर उतारा जो है, इसके लिए पूरा भारत देश के तरफ से मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। मोदी जी और पूरी मोदी जी की टीम ये पुनः प्रयास कर रहे हैं कि जो है वही जो है मनुस्मृति लागू करें, इस संविधान को हटा दें। और अगर जिस दिन मनुस्मृति लागू हो गई, मैं आपको आज इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये देश जो है पुनः फिर गुलाम हुआ। मनुवादी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो आरक्षण खत्म होना चाहिए तो आरक्षण वाले ही तो चंद्रमा पे जा रहे हैं और वो तुम्हें पहुँचा रहे हैं। आरक्षण को ख़त्म करके फिर देश को कहाँ ले जाओगे? तो सबसे पहले हम अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, उनकी दीर्घायु हो, यही हमारी कामना है। उन महान वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने तथागत बुद्ध के देश के सपनों का, यानी जिस तरीके से उनका सपना था कि ये मेरा देश वैज्ञानिक बने, उनने पूरा किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। इस देश में जो रिजर्वेशन के आधार पर जो एक योग्यता धारक वैज्ञानिक बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर IPS बन सकते हैं। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना संविधान के आधार पर आज वैज्ञानिक रूप दिखा दिया है। आज़ाद समाज पार्टी का फॉलोवर हूँ चंद्रशेखर भाई जी का, और जो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान चंद्रमा पर जो भेजा है, मैं उनके लिए वैज्ञानिक लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे देश के इसरो के द्वारा जो चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचा, उसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के टीढ़ बगिया क्षेत्र में, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुछ समाजसेवी भी हमारे साथ हैं। तो जो हमारा जो मिशन कामयाब हुआ है, उसको देखते हुए क्या कहना है, और जो मोदी जी के बारे में कुछ कहना है, तो आइए जानते हैं क्या कहना है। तो सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के वरिष्ठ नेता श्याम प्रकाश मोदी जी, प्रदेश संगठन मंत्री। सर, जिस प्रकार से हमारे देश की जो सफलता हासिल हुई है हमको, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने देश के सम्मानित वैज्ञानिकों को, इसरो के हमारे वैज्ञानिक हैं, मैं उनको बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ कि उन्होंने तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक तर्कवादी विचारों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने जो है सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 जो चंद्रयान पर चंद्रमा पर उतारा जो है, इसके लिए पूरा भारत देश के तरफ से मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। तथागत बुद्ध से अनुकंपा करता हूँ कि आगे भी हम विज्ञानकों के वैज्ञानिक जो हैं हमारे देश के, उनके बल पर हमारा देश तरक्की करे और करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? मोदी जी क्या है, मोदी जी तो जो है मोहरा हैं, उनको चलाने वाले तो जो देश में असमानता जातवाद नफरत बनाए रखना चाहते हैं, उनके इशारे पर चल रहे हैं। और आज जो हमारे वैज्ञानिकों को जो सफलता मिली है, वह भी हमारा भारतीय जो संविधान है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया है, उस संविधान की मूल भावना यही है। उसको संविधान में बाबा साहब ने जो है उसकी जो मूल भावना जो रखी है कि हमारा जो देश रहेगा वो विज्ञान पर आधारित रहेगा और रूढ़वादी और अंधविश्वासी परंपराओं के लिए तो संविधान में सजा का प्रावधान रखा गया है। तो
तो ये भी संविधान, भारतीय संविधान की देन है कि वो जो है वैज्ञानिक जो है प्रणाली हर नागरिक के लिए प्रणाली के लिए कहा गया है संविधान में। हमारा संविधान ही विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के द्वारा जो है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है सम्राट अशोक का, और राष्ट्रीय झंडे में धम्म चक्र है, ये प्रतीक है धम्म चक्र जो है बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म जो है विज्ञान पर आधारित है। तो ये जो प्रेरणा का हमारा संविधान जो हमें प्रेरणा देता है वो वैज्ञानिक प्रेरणा देता है। परंतु मोदी जी, देखो मोदी जी के जो सलाहकार हैं वो कौन है, वो देवराज, वो जो है मतलब जो इतना घटिया आदमी, उसने इतना बयान दिया है 15 अगस्त वाले दिन छपवाया उसने जो है, और जो है मोदी जी ने अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया है, जबकि उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए। जो संविधान के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही माना जाता है। तो मोदी जी के इशारे पर ही या मोदी जी के जो सलाहकार हैं वो देश को जो है 12वीं सदी में ले जाना चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो, असमानता रहे। मनुस्मृति में क्या है, असमानता, जातवाद, नफरतवाद, आपस में झगड़े, और उससे क्या है, उससे देश कमज़ोर होगा। भाई हमारा देश जो है गुलाम क्यों रहा, गुलाम इसलिए रहा कि आपस में मेल प्रेम नहीं था, संगठित नहीं थे, जातियों में बटे हुए थे। उस समय पर मनुस्मृति लागू थी, जिस समय जब देश गुलाम हुआ, और जब पुणे मोदी जी और पूरी मोदी जी की टीम ये पुनः प्रयास कर रहे हैं कि जो है वही जो है मनुस्मृति लागू करें, इस संविधान को हटा दें, और अगर जिस दिन मनुस्मृति लागू हो गई, मैं आपको आज इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये देश जो है पुनः फिर गुलाम हुआ। इसलिए हम सभी नागरिकों का फर्ज है, चाहे वो किसी जाति को, किसी धर्म के हों, भारतीय संविधान के वो जो उसने देवराज जो उदाहरण दे रहा था कि वो जब का बना हुआ है, अरे मतलब जो है कई देश ऐसे हैं कि उनका संविधान अभी तक नहीं बदला गया है, कई जर्मनी का संविधान अभी तक नहीं बदला गया है, और जो है अगर वो इनका संविधान का उदाहरण दे रहा है, संविधान में कितने लोगों के दिमाग लगे, कितने बुद्धिजीवी थे। बाबा साहब को मतलब 11 भाषाओं का जो ज्ञान था, समझे, उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, और जो है ये बात कर रहा है जो है आर्थिक सलाहकार है। अब जो तू ये अपने क्षेत्र की बात कर, महंगाई बढ़ रही है उस पर तो कुछ बोल नहीं रहा है। मोदी जी को सलाह दे कि महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, महंगाई आसमान छू रही है, जो है वो महंगाई आसमान छू रही है, जनता तरह कर रही है। अब जनता तरह कर रही है तो मोदी जी के खिलाफ जा रही है, मोदी जी को बुरा भला कह रही है, ये हम नहीं कह रहे, जनता जाके पूछ लो। जो वो जो है कहने से जो नफरतवादी हैं, रूढ़वादी हैं, जो उनसे कह साफ साफ कहा जाए, मतलब संविधान को हटा करके हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो हैं मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ब्राह्मण राष्ट्र में क्या है कि एक जाति ही सिर्फ जो है वो रहेगी कुशाल सर्वे सर्वा, और सब और अन्य नागरिक जो है उनके अधीन रहे। इसलिए आज जो हमारे जो है विज्ञानक जो बेचारे जो है उन्होंने मेहनत करके, और हमें बड़ी खुशी है, और हम उनको पुनः बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं, बधाई देते हैं कि हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ, और देश और आगे भी तरक्की करेगा देश। भारतीय संविधान रहेगा जब तक देश तरक्की करेगा, और इस देश में 90% जनता जो है वो इस संविधान को बदलने नहीं देगी, और ये 3% 5% वाले कभी संविधान को बदल नहीं सकते हैं। जिस दिन संविधान बदला जाएगा उस दिन जो है पूरे देश में भूचाल आ जाएगा, जो है सड़कों पर जो है कत्लेआम होंगे और सड़कों पर अत्याचार होंगे, ये संभाल नहीं पाएंगे। वैसे तो इन्होंने वो कर दिया कि उनका व्यक्तिगत विचार है, भाजपा के लोगों ने मोदी जी ने कह दिया उनका व्यक्तिगत विचार है। अरे व्यक्तिगत विचार है तो अपने घर में रखो, सार्वजनिक क्यों कर रहा है, पेपर में छाप रहा है, कैसे व्यक्तिगत विचार हो जाएगा। संविधान के पद पर बैठा हुआ है, संविधान के पद पर बैठ करके व्यक्तिगत विचार अपने घर में रखना, संविधान के पद पर बैठ करके व्यक्तिगत विचार जो जनता को नहीं दे सकते हैं। सर, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारा सफलतापूर्वक, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई,
पूरे देश की ओर से, अपनी ओर से, कि उन्होंने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर बड़ी सफलता से उतार दिया। और इसरो के वैज्ञानिक जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, उसमें जो मुखिया है, इस वैज्ञानिक समूह के मुखिया हैं हमारे अनुसूचित जाति के 2 व्यक्ति है, अन्नादुरई और शिवान, वो दोनों ही तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के ये महान वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को उतार दिया है और बहुत बड़ी सफलता है। लोग कहते हैं, मनवादी कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, तो आरक्षण ख़त्म होना चाहिए तो आरक्षण वाले ही तो चंद्रमा पे जा रहे हैं और वो तुम्हें पहुंचा रहे हैं, तो आरक्षण को ख़त्म करके फिर देश को कहाँ ले जाओगे। तो सबसे पहले हम अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, उनकी दीर्घायु हो, यही हमारी कामना है। मैं देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि भारतीय वैज्ञानिकों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है और झंडी हलाने के लिए सबसे आगे जाके बैठ गए थे, तो इनकी समस्याओं को भी तो देखें, कितना बड़ा इन्होंने काम किया है, पूरे विश्व में इनका इन्होंने नाम किया भारत का, और दोनों वैज्ञानिकों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है, और कथाओं के लिए, धार्मिक कर्मकांडों के लिए उनको पैसा है, सरकार पाखंडवाद के लिए पैसा है, और व्यर्थ के मंदिर बनवाने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन देश के विकास के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। थोथी बातें करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन महान वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने तथागत बुद्ध के देश के सपनों का, यानी जिस तरीके से उनका सपना था कि ये मेरा देश वैज्ञानिक बने, उनने पूरा किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। और इन जो काम देश के लिए उन्होंने किया है और देश के उपरांत भी, यानी इस काम को वैज्ञानिकों ने तो ये काम किया है, लेकिन देश के कुछ ऐसे धर्मांध लोगों ने उसका कुछ उल्टा सा ऐसा कर दिया है कि वो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ से आज तक बहुत देश में यज्ञ हुए, लेकिन यज्ञ से आज तक कोई भी अंतरिक्ष पर, किसी भी अंतरिक्ष पर कोई नहीं पहुंच पाया आज तक की उम्मीद में, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो आज करके दिखाया है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, यानी ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा कि जिस देश में सरकार हमारे वैज्ञानिकों को एक बहुत उत्साहपूर्वक और बहुत अच्छा अगर समय और मौका दे, तो ये हमारे देश में वैज्ञानिक बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही है कि इस देश में जो रिजर्वेशन के आधार पर जो एक योग्यता धारक वैज्ञानिक बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर IPS बन सकते हैं, वो उनको मौका उनका देना ख़त्म कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि इस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक G20 के योजना के माध्यम से उन कॉरपोरेट जगत के उद्यमियों को, छोटे से जो एक मुट्ठी भर है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, बाकी की जितनी जनता है बेचारी इस देश की बोली वाली, उनसे छीन कर उनको दिए जा रहा है। ये मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश के ढकेलने का, यानी देश को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, न कि उठाने का। और जिस तरीके से ये कहते हैं कि हमारे देश में नारी का सम्मान है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सम्मान नहीं है, क्योंकि जब नए संसद में उद्घाटन हुआ, उसमें प्रवेश होने का, तो इन बाबाजियों को लेकर के आ गए धर्मांध जैसे स्थिति में। क्या देश में, क्या संसद में बाबाजियों का कोई काम था? और एक महान जो महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, उनका उन्होंने अपमान किया। अगर वो उनका उद्घाटन करती तो हमारे देश में इस बात का संदेश जाता कि सरकार और प्रधानमंत्री जी इस देश की नारी के प्रति सम्मानजनक काम करते हैं।
ऐसा संदेश जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज मैं किसानों की स्थिति बता दूं कि देश किससे चलता है, मजदूर से और किसान से। इस देश में अन्नदाता के नाम से, जिसमें कवियों ने उनकी एक मतलब तुलना की, एक किसान तेरी कुटी राजभवन अनिवार, एक स्वेद कड़ हो रहा मोती मोल हजार, तो उन्होंने कितनी बड़ी तुलना कर दी। ऊपर रवि नीचे धरा तपत रही मनताप, लिखित बने नहीं हीनता दृग कृष्ण के हाथ। इनका कोई मोल है प्रधानमंत्री जी के यहाँ? आप विधवा बताइए कि बीमा फसल के नाम पर किसानों से पैसा लिया गया, और किसानों को, कितने किसानों को उन्होंने लाभ दिया? किसानों से रोटी छीनने का काम कर रही है सरकार। और दूसरी बात यह है कि आप जिसे अड़ानी हैं, अड़ानी की एक दिन की कमाई कितनी है? 16,000 के लाख करोड़ के 1600 लाख करोड़ रुपया है उसकी, कम से कम। उसकी पैसे की कमी नहीं है देश के अंदर, देश को जानबूझकर गड्ढा में धकेलना काम कर रहे हैं। अड़ानी की एक दिन की इतनी कमाई है, तो हमारे किसानों को आराम से वो लाभ पहुंचा सकते हैं, उनका समर्थन मूल्य दे सकते हैं। आज तक किसानों को लाभ पहुंचाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। तो सरकार जिस देश में ऐसी हो कि गड्ढे में जा रहा हो, जी, तो मैं उन महान वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि रूस ने 2 दिन पहले उस चांद पर अपना अंतबोध उतारा था, वो क्रेश हो गया था। लेकिन हमारे उन धन्यवाद देता हूँ कि दक्षिणी ध्रुव, जिस पर बहुत ज़्यादा माइनस में 14-15 दिन का समय मिलता है, 14-15 दिनों में वो अनुसंधान करेंगे, और 14-15 दिनों के उनको ऐसा उम्मीद है कि ऐसी विकट परिस्थितियों में जहाँ -130 के अंदर टेम्परेचर चला जाता है, उसमें अगर हमारा जो अंतरिक्ष है, जो चंद्रयान 3 है, अगर वो जीवित रहने की उन्हें उम्मीद भी है, अगर वो जीवित रहता है, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे देश से ज़्यादा काम किया। चंद्रयान की सफलता पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना संविधान के आधार पर आज वैज्ञानिक रूप दिखा दिया है, और उन सभी वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। मैं आज़ाद समाज पार्टी का फॉलोवर हूँ चंद्रशेखर भाई जी का, और जो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान चंद्रमा पर जो भेजा है, मैं उनके लिए वैज्ञानिक लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम यही कहना चाहेंगे, जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के हम फॉलोवर हैं। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।